सभी जो आज यहाँ वैशाली मैदान में इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल लीडर बैठे हुए हैं, अगर मैं इनका सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये हमारे सभी लोग सम्मानित हैं और आप उससे ज्यादा सम्मानित लोग हैं जो हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। और इस समय जो मेरे से पहले काफी लोगों ने अपनी बात रखी, बात जो चल रही थी वो चमारों की बात हो रही है कि चमारों को लोग सम्मानित नजर से क्यों नहीं देखते, उसे अपमानित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। पैदा हुए और गुरु पैदा हुए, लेकिन आज तक हम अपने जो महापुरुष हैं, गुरु हैं, उनको सम्मान ही दिला सके, इसमें हमारी कमी है। गुरु रविदास महाराज जी 14वीं सदी में पैदा हुए तो उन्होंने अपने नाम के साथ कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा, ये चमार लफ्ज इसलिए कहा कि किसी को किसी प्रकार का भुलेखा ना रह जाए, शंका ना रह जाए। जो ये वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, उस वाणी के अंत में और मध्य में चमार लफ्ज का इस्तेमाल होता है। जब ये कहते थे कि अगर चमार ये नीची जाति के लोग बात करेंगे, किसी के बराबर बैठे तो गर्म करके उनके पिछले पिछवाड़े पे सलाख लगा देंगे, अगर कोई बात सुनेंगे तो कानों में सिक्का डाल के पा देंगे, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय में अपनी बात को कहा जब बाबर का भी जुल्म था, लेकिन उन्होंने इस ढंग से अपनी बात को कहा कि इस देश के जो राजे महाराजे हैं, रानिये हैं और बादशाह हैं, तो इनको गुरु रविदास महाराज को गुरु माना और वो उनके शिष्य, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे वो कोई और धर्म हो, लेकिन जो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट पड़े सम बसे रविदास रहे पसन, तो हमने कहा ऐसा पिछले जब से इस देश में डेमोक्रेसी आई है 70 सालों में कोई काम नहीं किया। जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए या देश का राष्ट्रपति बन जाए, वो चमार कहना ही भूल जाता है कि मैं चमार हूं। हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है चमार महासभा 2009 में शुरू की और पहले बार ही कहा कि हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। जो हमारे में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना चाहते थे। हमारे पंजाब में जाटों की बहुत बड़ी बात होती है, जाटों के नाम पे गीत गाए जाते हैं, लेकिन पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जाटों के मुकाबले चमारों के गीत भी उनके बराबर गाए जाते हैं। ये वहां से जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, उसको शुरू किया गया है। लेकिन मैं एक बात, राहुल जी, जो राहुल भारती जी हैं, बहुत बार जोर करते हैं, आज मैं सुबह इनसे बात कर रहा था कि इस देश में 19 में लोकसभा का इलेक्शन है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदलना है या रिजर्वेशन को खत्म करना है, मैं राहुल जी को कह रहा था सुबह में कि यहां से जब आजादी के लिए लहर मेहनत से शुरू हुई थी कि चलो दिल्ली, ये इतिहास के पन्नों पे देख लेना, सुभाष चंद्र बोस ने यहां से कहा था आजादी लेने के लिए शुरुआत की थी कि चलो दिल्ली। तो मैं आप सबको कहता हूं कि जो लोग हमें ये कहते हैं कि हमने संविधान बदलना है,
करनी है तो जहां दिल्ली से जो शासन चलता है उनको जमारों ने बताना है कि इस देश का संविधान नहीं बदला जाएगा और इस देश में रिजर्वेशन नहीं खत्म होगी। इसके लिए हमें दिल्ली की जो हमारे जो सम्मानित साथी हैं सभी बैठकर एक पंचायत करेंगे और एक जो उन 18 में एक बड़ी पंचायत कर जो देश के उस मंदिर पे पार्लियामेंट में कब्जा करने की सोचते हैं उनको बताएंगे कि पहले ये बात लोगों के सामने कहो कि हम संविधान नहीं बदलेंगे और हम रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे, तब इस देश का जो शासन प्रशासन चलेगा, नहीं तो आपका शासन प्रशासन चलने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा संकल्प ये ऐसे शुरुआत करके चलो, गांव में करो, घरों में करो, प्रदेश में करो और लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश का जो चमार है वो जाग गया। मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह साहब हैं जो जिन्होंने खालसा पंथ की साधना की थी, जिन्होंने जात पात को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। जब पंजाब की चमकौर की गली में सुब्बा सरहंद ने उनके बच्चों को जो शहीद कर दिया था, नियों में चलवा दिया था और लड़ाई में मर गए थे, शहीद करवा दिया था, उन लोगों ने जब आखिरी समय पे भाई संगत सिंह हैं जो जब कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहब को कहा कि आप यहां से चले जाए, वो भाई संगत सिंह चमार थे और संगत सिंह सिंह ने यह कहा था कि आप यहां से जाए, आप सिक्खी को बचाए और इन मुसलमानों के साथ जो उस समय के औरंगजेब का शासन था उससे लड़ाई करते हुए जो गुरु गोविंद सिंह के हम शक्ल थे उनसे मिलती जुलती शक्ल थी, तो भाई संगत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की जगह पे सिक्खी की आन बान और शान बचाने के लिए अपना सिर कलम करवा दिया था। जब हम उनके सिख धर्म को बचाने के लिए अपना शीश कलम करवा सकते हैं तो हम अपने लोगों की लड़ाई करने के लिए अपनी जान क्यों नहीं कुर्बान कर सकते, और इसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए। जो समाज कुर्बानी देना नहीं जानता वो राज करना नहीं जानता। हमने कुर्बानी करनी सीख ली लेकिन राज करना नहीं सीखा, अब हम कुर्बानी के साथ राज करना भी सीखेंगे और इस देश में बेगमपुरा शहर को नाओ तू खंदोख नहीं बैठाओ, जो गुरु रविदास महाराज जी ने शब्द का उच्चारण किया था उस शब्द को हम सभी लोग मिलकर पूरा करें। हम सभी का सम्मान करते हैं, जो लेकिन जो हमारे समाज का हमारे लोगों का अपमान करेगा तो हम फिर उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं लेके जाएंगे जिनको पीटा जाता है, तो जो हमारे समाज को पीटेगा वैसे ही हम उसके समाज को पीटेंगे। ऐसा समाज तैयार करना है, हम प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, वहां प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, तो समाज पब्लिकली उनको सजा दे रहा है तो फिर हम भी उनको पब्लिकली समाज में सजा देंगे। फिर कानून जब वो नहीं मानते तो फिर हम भी नहीं मानेंगे। ये ऐसा समाज हमने तैयार करना है और इस तैयारी के लिए आपको अपना पूरा धन मन धन जैसे ये नौजवान नेता आगे लगे हुए हैं इनकी बात को मानो, इनकी बात के ऊपर शक मत करो। अभी नए हैं, अनजान हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती है लेकिन हमने इस गलतियों को सुधारते हुए आगे जाना है और एक मजबूत संगठन तैयार करके सभी लोगों का हमने यहाँ लोगों को सभी को बराबरता देनी है। यहाँ जो लड़ाई है इनजस्टिस की है, फ्रीडम की है, इक्वालिटी की है, बेइंसाफी हो रही है, आजादी नहीं है, बराबरता नहीं है। इसके लिए 70 साल में जब हमें कुछ नहीं मिला तो